हेलो एवरीवन, दोस्तों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन है तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे आप यूट्यूब से कोई भी सॉन्ग को बैकग्राउंड यहां पे बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पा रहे होंगे। यहां से जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर में जो प्ले इन बैकग्राउंड है, अगर आप इस पर क्लिक करते थे तो ये जो है ऑटोमेटिक, मतलब अगर आप चला के यहाँ पर छोड़ देते थे तो ये मतलब बजता था, मतलब बैकग्राउंड में भी बजता था। बट दोस्तों अभी जो है आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये नहीं बज रहा है, अगर आप मतलब स्क्रीन ऑफ कर देते तो ये नहीं बज रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है अभी मेरा बज रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी जो है मैं माइक लगाया हूँ इसलिए जो है आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, आप वो ट्रिक एक बार अपना के देखना, एक बार वो सेटिंग्स करके देखना, फिर जो है आपका यहाँ पर 100% चलना चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना है। लाइक मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन आता हूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा मोबाइल है ये है इन्फिनिक्स 020 फोन, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है, आपको अगर इन्फिनिक्स आपके अपने पास है तो वो इस तरह से कोई भी सेटिंग्स जैसे मैं आपको बताऊँगा वो सेटिंग्स आपको कर लेना है। जैसे आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेशल फंक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो एसेजेंट, ठीक है। तो मैं यहां पे वीडियो एसेजेंट पर क्लिक कर देता हूं। एंड गाइस अगर आपको यहां पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहां पर भी सर्च कर सकते हो वीडियो एसेजेंट, ठीक है। यहां पर भी कर सकते हो, जो कि यहां पर सिंपली तरह से बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो वीडियो एसेजेंट का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो इस ऑप्शन जो है वीडियो असिस्टेंट फ्यूचर्स, आपको क्या करना है, इसको एक बार ऑफ कर लेना है फिर यहां से ऑन कर देना है। यहां पर जो है तीन चार बार इस तरह से कर लेना, उसके बाद जो है आपको यहां पे ऑन करके छोड़ देना। उसके बाद यहां पे नीचे देख लेना, जो भी यहां पे ऐप रहेगा सभी ऐप का जो है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो YouTube है तो YouTube का यहाँ पे खास तौर से यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। अब गाइस आपको करना क्या है, अगेन अपना YouTube पे जाना है। YouTube पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी म्यूजिक को अपना ओपन कर लेना है। उसके बाद जो इसे बैकग्राउंड देखे, मैं यहाँ पे अगर चलाऊँ तो ये जो है आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अभी चल रहा है। दोस्तों आपको जो है इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर ये जो वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आपको फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हो।